बिहार के आप तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सादर नमस्कार। सबसे पहले आज 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर आप तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, शिक्षा प्रेमियों सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि बिहार के तमाम शिक्षक सहित जितने शिक्षा प्रेमी हैं सबके हित के लिए हम लगातार कार्य करेंगे, शिक्षकों को आर्थिक आज़ादी दिलवाएंगे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। साथियों, एक सवाल बार बार आप शिक्षक साथियों की ओर से आ रहा है सोशल मीडिया में कि सभी लोग एक होकर के चलिए तब न लड़ाई होगा, एक होकर चलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप बस स्टैंड जाते हैं तो कहते हैं कि सब बस एक साथ चलेगा तब चढ़ेंगे, या फिर कहीं का बस खुलता रहता है तब चढ़ जाते हैं? ऐसा नहीं करते, आप उस बस पर चढ़ते हैं जो आपके गंतव्य की ओर पहुँचाने के लिए सबसे पहले प्रस्थान करता है। इसलिए आज राजकर्मी की लड़ाई में, आज समान काम समान वेतन की लड़ाई में जो संगठन संघर्ष कर रहा है, जो संगठन आगे चल रहा है, आप उसके साथ चलिए, उसके संघर्ष में साथ दीजिए और अपनी जो चिर परिचित मांग है राजकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन, उसे लेकर के रहिए। कुछ साथी हमारे शिक्षक नेता बार बार सलाह दे रहे थे कि कुछ दिन शांत रहिए तब गर्वाएगा। मैं 15 अगस्त को शांत रहा, मैं 5 सितंबर को शांत रहा, मैं 2 अक्टूबर को शांत रहा, लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये तमाम जो प्रोपगंडा दे रहे हैं कि बहुत जल्दी राजकर्मी का घोषणा होगा, टाइप होगा, हो रहा है, ये वही लोग कह रहे हैं जो सरकार समर्थित है, जो सरकार के दलाल हैं, जो आज सत्ता पक्ष में जो भी पार्टियां हैं, 9 पार्टियां, उनके नेता हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि 15 अगस्त को होगा, 5 सितंबर को होगा, 2 अक्टूबर को होगा, दशहरा के अवसर पर होगा, दिवाली के अवसर पर होगा, छठ के अवसर पर होगा, ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारा आंदोलन शांत रहे, हमारा जोरदार आंदोलन नहीं हो। और जैसे ही आचार संहिता लग जाएगा वो कहेंगे कि हम तो टाइप करके रखे हुए थे, कैबिनेट में जाने वाला था और आचार संहिता लग गया, आप लोग हमको वोट दीजिए, अगला चुनाव से पहले दे देंगे। क्योंकि इस सरकार को लोकसभा चुनाव से बहुत मतलब नहीं है, इसको मतलब है अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी से, और यह ही इसको खींच कर ले जाना चाहता है। इसलिए साथियों, इतिहास गवाह है, आज तक हमें जो भी मिला है अपने संघर्ष के बल पर मिला है, आपके संघर्ष के बल पर मिला है। इसलिए हम सबको मिलकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमें किसी राजनेता, किसी रिटायर्ड नेता के आवश्यकता नहीं है, उनके बल पर न हमें कुछ मिला है न भविष्य में कुछ मिलेगा। इसलिए आप तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप अपनी भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आए और संघर्ष को आगे बढ़ाएं, संघर्ष में आगे चलें। आप तमाम साथियों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार। नमस्कार।